नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर बाइक रैली निकाली। इस रैली में कलेक्टर, SP और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारी सहित आम लोगों ने भी हिस्सा लिया और कचहरी चौक से होते हुए ऑडिटोरियम तक पहुंचे। वहीं ऑडिटोरियम में स्कूली छात्र छात्राओं को मतदान के अधिकार की जानकारी दी गई। साथ ही गीत संगीत और कविता के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर ऑब्जर्वर द्वारा उपस्थित जनसमूह को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। आने वाले 7 मई को जो जिला में लोकसभा निर्वाचन होने वाला है, उसके लिए हम अपने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, ताकि जो अलग अलग ग्रुप ऑफ वोटर्स हैं, आज हमने जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं वहाँ पे बाइक रैली निकालकर उनको ये मैसेज किया कि आप अपने आने वाले 7 मई को अपने समय में से थोड़ा समय निकालकर मतदान करने अवश्य आएँ। इसी प्रकार अभी ये स्वीप संध्या भी आयोजित की गई है। इसमें हमारे अलग अलग हमारे जो बाल संप्रेषण गृह के बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, हमारे जो स्कूली शिक्षक हैं, स्कूली बच्चे हैं, सबके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है जो सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से कि आप 7 मई को बढ़ चढ़ कर मतदान करें और जो हम 100% मतदान की कल्पना करते हैं उसको। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा जांजगीर चांपा पहुंची और मीडिया से बातचीत के दौरान देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए महागठबंधन महाठग कहा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में देश की जनता को ठगा है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर और किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखाया, लेकिन देश में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि हर वर्ग इस महंगाई से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठे दावे भी कर रहे हैं। माध्यम से शाह साहब और मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि अपने नेताओं पे क्यों गुस्सा करते हैं। अपनी जो कर आपके कर्म है उनके अंदर छान के देखिए, कमी आपकी है जो आप ये सोचते रहे कि हमने जी एक बार तो जनता को मूर्ख बना दिया, दो बार भी बना दिया, तीसरी बार भी हम मूर्ख बना लेंगे। पर जनता ना बहुत अकलमंद होती है। आपको मौका दे दिया, आपकी बातों पर विश्वास कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की जनता मूर्ख है और बार बार आपके जुमलों में, आपके झूठे वादों में आ जाए। तो उन स्वयं ये गुस्सा और ये बातें अपने ऊपर कर लीजिए। अब 4 जून को जब नतीजा आएगा तो देखिएगा, फर्स्ट फेज का तो है ही, अब तो आगे भी आएंगे, लेकिन 4 जून को मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ कि जब EVM से गिनती होगी तो नतीजे ऐसे आएंगे कि 400 बार की चर्चा करने वाले, नारा देने वाले 150 पर सिमट के रह जाएंगे और इंडिया अलायंस का गठबंधन सरकार बना देगा। और ये फर्स्ट फेज ने बहुत साफ तौर से ये दिखा दिया है कि किस तरीके से हवाओं का रुख बदल चुका है। राम विचार नेता, राम और राम के विचार उनके नाम में आते हैं, लेकिन उनके ना चाल चरित्र चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं, जो एक महिला के लिए सूप रखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। पर उनकी क्या गलती है? उनके जो मुखिया है मोदी जी, वो महिलाओं के साथ किस तरह अभद्र भाषा और टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा देश वाकिफ है। संसद भवन में जो प्रधानमंत्री किसी और महिला सांसद को सूप रखा बोल सकता है, उनके चेहरे तो यहाँ भी यही बोलेंगे। जो प्रधानमंत्री एक नेता के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बोल सकता है, जर्सी गाय बोल सकता है, राहुल गांधी जी के लिए बोल सकता है कि वो हाइब्रिड बछड़ा है, अपने पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बोल सकता है कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, उनके बाथरूम में झांक सकते हैं, तो उनके चेले चपाटे क्या कहेंगे वो आपके सामने। ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की जगह छत्तीसगढ़ में भी नहीं है और आप देखिएगा ये बयान उनको कितना भारी पड़ेगा वो छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जमीन में छत्तीसगढ़ की जनता किसी भी, और रामलला के ननिहाल में किसी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी होगी तो छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप जवाब देगी। जांजगीर चंपा लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी शिव डहरिया ने नामांकन फॉर्म जमा किया है।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी उपस्थित रहे। वहीं चरणदास महंत ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा और वर्तमान राष्ट्रपति के दलित होने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने नामांकन भर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सभा को संबोधित करते हुए शिव डहरिया को सांसद कहकर संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश की जनता को बांटने का काम किया है और मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में हिंदू मुस्लिम का जहर बोने का काम किया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेसियों पर निमंत्रण ठुकराने के आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य गत कारण से कहीं नहीं जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जातिगत कारण से नहीं बुलाने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। दिए हुए द्वारा आशीर्वाद पर मैंने विश्वास करते हुए आज हमारे शिव डहरिया को सांसद घोषित किया। ये कांग्रेस का महाराज होगा ये योजना। महालक्ष्मी योजना की तरह हम लोग जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो काम भराए जा रहे हैं, जो फार्म भराए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दुखियारे लोग हैं हमारे, जहाँ छोटे छोटे धन के लिए तरसना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे सभी महिलाओं को बहुत फायदा होगा और ये सब कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। मुझे 400 पार होगा तो संविधान को खतरा है, कैसे कोई नहीं सकता, बकने दीजिए जितने दिन जो बक, अब सटक गए सब, कोई 400 पार की बात नहीं कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं। हमारे तो राहुल जी कह रहे हैं 150 तक आ जाए फिर 400 की बात करें। उनके कितने पार्टी में कितने खड़े किए हैं, कितने लोग टिकट मिली अब तक, कितना देना चाहते हैं, कितना सीट लेना चाहते हैं, 370 में 400 पार हो जाएगा क्या? 370 में 300 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा? ऐसे हवा में आपको हमको जो बेवकूफ़ समझते हैं उनको दूर से नमस्कार। वहीं कांग्रेस के नामांकन रैली और सभा में उपस्थित भीड़ को देखकर प्रत्याशी शिव डहरिया गदगद नजर आए। इसके साथ ही मंच में उपस्थित जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधायकों ने भी क्षेत्र की जनता से लोकसभा चुनाव में जीत का सहरा शिव डहरिया को पहनाने का दावा किया। और जिस तरह विधानसभा चुनाव जांजगीर चांपा की सभी 8 सीटों में कांग्रेस के विधायक को जिताया, उसी तरह शिव डहरिया को सांसद बनाने का भी संकल्प लिया। सभी हमारे विधायकगण, जिला कांग्रेस अध्यक्षगण, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज नामांकन दर्ज किए और आज पूरे 8 विधानसभा में उत्साह का माहौल है और यहां सब कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही माहौल है और इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीत के आई। नामांकनों का दौर खत्म हुआ, अब पहले दौर का मतदान है। नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। नामांकन रैली में पूरे 8 विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे, 8 विधायक भी उपस्थित थे। विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास जी महंत की उपस्थिति भी रही, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी भी आए हुए थे। इस तरीके से कांग्रेसजनों में अपार उत्साह और ऊर्जा देखने को मिला और ये इस बात का संकेत है कि आने वाला जो समय है उन समयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता दुगने अनुसार से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को जिताने के लिए काम करेंगे। ओवरऑल परिणाम क्या नजर आ रहा है छत्तीसगढ़? ओवरऑल हमको लग रहा है कि 20 साल बाद जांजगीर लोकसभा कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेसजनों में आपस में समन्वय और सामंजस्य दिख रहा है और आपस में समन्वय और सामंजस्य पर जो युति है ये कांग्रेस के विजय से मिली है। कोरबा में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, जांजगीर में सारे कांग्रेस के विधायक हैं, आपको लगता है परिणाम अनुकूल आएगा? निश्चित तौर पर परिणाम अच्छा आएगा क्योंकि जांजगीर चांपा जिले के सभी स्थानीय निकायों में, जिला पंचायत में, नगरीय निकाय में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं और यहाँ के मतदाता अब की बार बहुत जागरूक हैं और वो समझ गए हैं कि इसके पहले के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद
उसका गारंटी जुमला है तो ये 400 पार भी जुमला लेकर जुमला ही कहलाए और नहीं आ पाए। तो आप लोग कितने सीट में आने? तो हम लोग जुमला मानते हैं। नहीं तो आप ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता सीटिंग में एमएलए, आप क्या बोल रहे हैं कितने सीट आएंगे? हम तो 11 का 11 अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 11 का 11 मानते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ का बात करते हैं, स्थानीय बात करना चाहेंगे। कार्यकारिणी सदस्य हूं मैं और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, जांजगीर चांपा के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरे सारे 11 के 11 सीट यहाँ जीत के आएगी। और ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में जहाँ जितनी सीट है कांग्रेस की उतनी सारे सीट जीतने का हम आम जनता से, कार्यकर्ताओं से और बूथ लेवल तक जाएं, बूथ लेवल तक जा रहे हैं। और हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो स्वतंत्रता लाई है और इस बेरोजगारी वाला सरकार है बेरोजगार कर दिया हमारे आम जनता को, भाई बहनों को। तो ऐसे जो नेता है उसको नरेंद्र मोदी एक चेहरा बोलते हैं ना, चेहरा भूल जाएंगे। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने जनसभा कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब 19 अप्रैल को बीजेपी की नामांकन रैली आयोजित है और इस मंच में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए तो वक्त चल रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दिस महिला मन के पोजीशन। मोदी लचुने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। कृषि बजट में 35% की वृद्धि, पूरा देश में धान के सबसे ज्यादा रेट मिला थे। टेकरे पर तो सब जन कहा थे मोदी लचीले के रीजन है, खबर मोदी में रीजन है। वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। एक बार मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में 4 बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के एक नंबर डिसीजन है मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। एक बार मोदी सरकार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ला देती, अब नहीं टपके छत चाहे कोनो सीजन है। मोदी लचुने के रीजन है काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, रुख करेंगे खबरों की ओर। देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव कई राज्यों में हुए हैं। इसी बीच हर खबर की टीम कांकेर क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि कांकेर के लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल को होना है। हेलो
लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महानदी के तट से सटे विशाल भूभाग का एक बड़ा भाग कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में महानदी बहती है और गढ़िया पहाड़ इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और कांकेर शहर इसका मुख्यालय है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 10,36,799 थी। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सोहन पोटाई ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,52,128 थी और इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार सोहन पोटाई ने जीत हासिल की। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सोहन पोटाई को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया और एक बार फिर से सोहन पोटाई ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को हराकर जीत हासिल की। हालांकि साल 2014 में सोहन पोटाई की जगह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी को कांकेर सीट से टिकट दिया गया था। इस चुनाव में भी कांग्रेस को नाकामी ही हाथ लगी। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को बड़े अंतर से हराया। इसके बाद से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन मंडावी को प्रत्याशी बनाया। इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और इस साल भी बीजेपी ने इस सीट से प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार कांकेर सीट से अंतागढ़ के पूर्व विधायक और धर्मांतरण विरोधी चेहरा भोजराम नाग को टिकट दिया है। पिछले 5 कार्यकाल से कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों का दबदबा रहा है और यही वजह है कि कांकेर सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। आज यानी कि 19 अप्रैल पहला चरण का जो चुनाव है बस्तर संभाग में हो रहा है और द्वितीय चरण का जो चुनाव है कांकेर लोकसभा चुनाव में होने को है। हम कांकेर जिला से लगभग 120 किलोमीटर दूर साप्ताहिक बाजार संगम में पहुंचे हूं और लोगों का राय जानना चाहता हूं कि इस बार जनता किसको वोट करना चाहता है, कांग्रेस को या बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है और भाजपा से पूर्व विधायक भोजराज नाग को टिकट दिया गया है। दादा आपका परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? नरचू। इस बार आपका जो मत है बहुमत, मतलब जो मत है बहुत कीमती मत है, इस बार किसको देना चाहते हो आप? आपका श्रेय किस पे जाना चाहता है? इसमें भी सब देगा, वो इसमें देगा। जी जी भैया थोड़ा सा बोलने में तकलीफ कर रहा है, दादा से पूछना चाहता हूँ, दादा इस बार आपका रुझान किस तरफ है? ये तो मोदी का योजना चल रहा है जी, तो उनको ही देंगे और भोजराज नाग को ही जिताएंगे। मतलब भोजराज नाग को जिता के आप सरकार मोदी को ही बनाना चाहते हो। दादा क्या नाम है आपका? किशोर बागचे। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं से, संगम से ही है, प्रॉपर इस बाजार का साप्ताहिक बाजार के रहने वाले हो। इस बार आपका जो बहुमूल्य कीमती जो मत है किस तरफ जाने वाला है? जी रुझान तो देखिए, अगर आप सोचेंगे तो इस बार क्या हमेशा से जो चली आ रही है रुझान, अपना जो मत है भाजपा की तरफ से, तो हम भाजपा में ही हैं, भाजपा को ही देंगे। और इस बार बड़े वादे कर रहे हैं, उस पे क्या खड़े वादों से क्या होता है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, वादों पे कौन खड़ा उतरा है? और हमारे भोजराज नाग ने अपने अपने विष्णुदेव साय ने जो वादा किया है, अपने देखिए ना, अपने महिला मंडल को देख लीजिए, महिला व्यक्तियों को उनको उनको देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, तो उनको दो दो किस जमा हो गया है महातारी वंदना योजना के तरफ। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर जो वादे किए थे लगभग 98% क्लियर हो चुका है जी। अभी हम ये जो भैया है अभी दुकानदारी कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपका भैया क्या नाम है? सुखदेव नाथ। कहाँ से है? 43 नंबर पीवी 43। इस बार आपका रुझान कहाँ पे? चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन से पहले भव्य रूप से रैली निकाली गई, तो जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साय भी और उनके साथ कई दिग्गज नेता शामिल रहे। जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभाओं में मिली करारी हार के बाद से अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कमर कस चुकी है।
जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव को गंभीरता से लड़ने और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के निशान पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जांजगीर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन को लेकर रैली भी निकाली गयी। गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये चुनाव है, ये देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तिसरैया पैठ देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। अब ये पाएंगे आज पहली बार देश में एक गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो योजना बना के काम करे हैं वो योजना गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम है। आज देश के अंदर जो परिवर्तन आए, आज देश विकसित भारत की ओर बढ़त, आज जब गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते, आज ये गरीब माँ के बेटा ला कोई लाठी से सिरमा मारे के बात करत, कोई अव कोई किसान के गाली देवत है। आज नरेंद्र मोदी जी से जनता के बीच में ये कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पाते, तो आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत। और ये भाई आज कांग्रेस के हालात का हो गए भैया, कांग्रेस में भगदड़ मचे है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। आज रोज हजारों के संख्या में कांग्रेस पार्टी ला छोड़ छोड़ के जावत है। कांग्रेस के दुर्दशा हो गए है, कांग्रेस के हालात खराब है। अब आज कांग्रेस के भगदड़ मचे हुए हैं और आज आप लोग ये निर्णय करना है कि आज जेल के सबसे आज कांग्रेस के हालात हो गए। मैं आप लोग कहना चाहता कि ये समय विचार करें के समय भैया हो, विधानसभा चुनाव में धोखा खाए हम, विधानसभा चुनाव परिणाम हमारा अनुकूल नहीं आए। अब ये लोकसभा चुनाव होकर बदला चुकाए के अवसर है। आज के आठ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मल्ला जीत नहीं मिल पाए। आज एक एक ये बात के संकल्प लेके जरूरत है कि विधानसभा चुनाव के हार के बदला ये लोकसभा चुनाव लेना है। जरा दोनों हाथ उठा के एक, ये मोदी जी के चुनाव है भैया, ये सारी गलती नहीं होना चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता ला आज जैसे पसीना बहा के यहाँ आए हो, इसलिए 7 मई तक पसीना बहाना है। बहाओ कि नहीं बताओ, बहाओ जरा हाथ उठा के बताओ। एक एक घर में जाना है, एक एक दुआरी में जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगना है, कमलेश जांगड़े जी के लिए आशीर्वाद मांगना है। मैं तो कमलेश जांगड़े जी के मई के कोतिले आया।
जांजगीर की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 सीट को बीजेपी को सौंपने का मन बना लिया गया है। जनता ने देश हित और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के किसी बहकावे में नहीं आने का विश्वास जताया। आज जांजगीर संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े का नॉमिनेशन नामांकन रैली था, जिसमें पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ताएँ हैं, मतदाताएँ हैं और बहुत अच्छा उत्साह है। सिर्फ जांजगीर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।